हेलो एवरीवन, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डिमांड पेजिंग के अंदर पेज फॉल्ट आते हैं। अब पेज फॉल्ट आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, उस पेज को सेकेंडरी मेमोरी से लेके आना पड़ेगा। मतलब क्या करना पड़ेगा, हमें पेज रिप्लेस करना पड़ेगा। अब उस पेज रिप्लेस के लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिदम्स दी गई है, आज हम वो एल्गोरिदम्स डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम, वैसे तो तीन टाइप की एल्गोरिदम होती है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लिस्ट रिसेंटली यूज्ड और मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड। लेकिन यहाँ पे हम चार एल्गोरिदम पढ़ेंगे। एक OPTB है, ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हमारी एल्गोरिदम की क्लासेस। देखिए, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट हमारी फर्स्ट एल्गोरिदम है, सबसे सिंपलेस्ट एल्गोरिदम है। इसके अंदर क्या करेगा ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या करेगा, सभी पेजेस का ट्रैक रखेगा, ट्रैक रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। उसके बाद जो सबसे ओल्डेस्ट पेज होगा, या हम कहें जो सबसे पहले पेज आया है, उसी को रिप्लेस किया जाएगा। इतनी बात समझ आई। एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पे एक पेज रेफरेंस स्ट्रिंग हमारे पास गिवन है विद थ्री पेज फ्रेम्स। कितने फ्रेम्स दिए गए हैं, थ्री पेज फ्रेम्स। पेज फॉल्ट हमें फाइंड आउट करना है। हमने यहाँ पे स्ट्रिंग लिख ली, उसके बाद फर्स्ट टाइम पे देखिए थ्री पेज फ्रेम्स हमने बना दिए जो कि बिल्कुल एम्प्टी है। अब अगर आपको मिल जाएगा तो वो हिट है, और नहीं मिला तो उसको मिस बोलते हैं। वन नहीं है तो वन की एंट्री कर दी और ये क्या हो गया, मिस हो गया। उसके बाद देखिए थ्री कौन आया, उसके बाद थ्री, थ्री क्या है, थ्री भी नहीं है टेबल में उस पेज फ्रेम्स में, तो उसकी भी एंट्री करनी है और ये भी एक मिस है। उस इसी तरह जीरो भी नहीं है तो जीरो की भी एंट्री हो गई। अब देखिए थ्री, थ्री इसके अंदर पहले से ही अवेलेबल था तो मतलब ये क्या हो गया, एक हिट हो गया, इसको क्या बोलेंगे, हिट। उसके बाद फाइव, अब फाइव नहीं है तो चेक करिए कि सबसे पहले कौन आया था, तो इस लिस्ट में सबसे पहले आया था वन, तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, वन को रिप्लेस कर देंगे फाइव से। ठीक है, ये क्या हो गया, मिस था ये भी। उसके बाद आया सिक्स, अब सिक्स में देखिए कि सबसे पहले कौन आया था, फाइव तो अभी अभी आया है, और थ्री उसके बाद आया कौन, जीरो, तो जीरो देखिए, तो देखिए पहले कौन आया है, थ्री आया था, तो थ्री क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा सिक्स से। अब यहाँ पे फिर से चेक करते हैं थ्री को, थ्री देखिए यहाँ पे कौन रिप्लेस होगा, अब की बार रिप्लेस होगा जीरो, एंड जीरो को हम रिप्लेस कर देंगे किससे, थ्री से। तो इस अब हम क्या काउंट कर लेंगे, कितने हमारे मिस हुए, टोटल नंबर ऑफ मिस कितने हुए, देखिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, तो टोटल पेज फॉल्ट कितने हो जाएंगे, यहाँ पर सिक्स हो जाएंगे। अब देखिए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर एक एनोमली आती है, बिलेडी एनोमली, बी लेडी एनोमली। अब ये क्या होती है एनोमली, कि जितने इसमें क्या होता है कि अगर हमारे पेज फ्रेम्स इंक्रीज होंगे तो हमारा पेज फॉल्ट भी इंक्रीज होगा। मतलब कि पेज फॉल्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेज फ्रेम। अगर मेरे पेज फ्रेम इंक्रीज हुए, जैसे यहाँ पे थ्री थे, मान लीजिए मेरे पेज फ्रेम कितने हो गए, एट हो गए। अगर यहाँ पे थ्री थे और मैं मान लूँ कि मेरे पेज फ्रेम एट हो गए, तो पेज फॉल्ट कम नहीं होगा, पेज फॉल्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम के बारे में। इसके अंदर जो पेज फ्यूचर में अभी ज़्यादा टाइम के लिए यूज़, फ्यूचर में अभी यूज़ नहीं होने वाला है, मतलब जिसका अभी काम नहीं पड़ने वाला है, उसको रिप्लेस कर दीजिए। काफ़ी परफेक्ट एल्गोरिदम लगती है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है फ्यूचर की रिक्वेस्ट को नहीं जान सकता। समझ आया, लेकिन फिर भी हम इसको पढ़ रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये एक बेंचमार्क सेटअप करती है, जिससे कि जो बाकी की एल्गोरिदम्स है उनको एनालाइज किया जा सके अगेंस्ट इट। अब यहाँ पे देखिए, हमारे पास एक पेज रेफरेंस सीरीज दी गई है, कितने पेज फ्रेम गिवन है, फोर पेज फ्रेम गिवन है, पेज फॉल्ट फाइंड आउट करना है। तो देखिए, सबसे पहले सेवन हमने एंटर कर दिया, सेवन नहीं था, जीरो भी नहीं था तो जीरो एंटर हो गया, वन भी नहीं था वन एंटर हो गया, टू भी नहीं था टू भी एंटर हो गया। अब देखिए जीरो, जीरो इसके अंदर है तो ये हिट है एक, जीरो इसके अंदर पहले से ही अवेलेबल था। थ्री, थ्री नहीं है, अब किसको हम रिमूव करेंगे, अब यहाँ पे देखो कौन सा यूज़ नहीं होने वाला है, तो इसके अंदर देखो जीरो भी यूज़ होने वाला है, टू भी यूज़ होने वाला है, वन नहीं होने वाला और सेवन भी नहीं होने वाला।
अब 1 और 7 में किसको रिप्लेस करोगे? तो 1 और 7 में से जो पहले आया था 7, उसको हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे 3 से, ठीक है। अब उसके बाद देखिए फिर से क्या आया, 0 0 अवेलेबल है, तो ये क्या हो गया, एक हिट है। उसके बाद आया 4, अब 4 देखिए कौन सा यूज नहीं होने वाला है, तो 2 2 यूज होने वाला है। उसके बाद देखिए 3 3 भी यूज होने वाला है, 0 भी यूज होने वाला है, लेकिन 1 नहीं होने वाला, तो 1 को हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे 4 से। इतनी बात समझ आई। अब आगे देखिए 2 2 पहले से ही अवेलेबल है, तो ये एक हिट हो गया। 3 3 भी अवेलेबल है, तो ये भी हिट है। 0 भी अवेलेबल है, ठीक है। 3 अगला नेक्स्ट 3 है, वो भी अवेलेबल है। फिर से 2 है, 2 भी अवेलेबल है, एंड फिर से 3 है, तो 3 अवेलेबल है। अब टोटल नंबर ऑफ मिस क्या कर लेंगे, काउंट कर लेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 पेज फॉल्ट कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। अब थर्ड एल्गोरिदम कौन सी है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड, LRU। अब इस एल्गोरिदम में हम किसको रिप्लेस करेंगे, जो लीस्ट यूज हुआ था, मतलब कि जो यूज तो हुआ है लेकिन सबसे पहले यूज हो गया, जैसे 1 2 3 यूज हुए हैं, लेकिन सबसे लेटेस्ट कौन यूज हुआ, 3, और सबसे अर्लीएस्ट कौन यूज हुआ, 1। तो हम किसको रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे 1 को रिप्लेस कर देंगे, जो सबसे अर्लीएस्ट यूज हुआ था। इतनी बात आपको समझ में आई, इसमें कंफ्यूज मत होना, जो सबसे पहले यूज हुआ था उसको रिप्लेस करना है। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास स्ट्रिंग दी गई है, 4 पेज फ्रेम है, लिख लीजिए 7 की एंट्री हो गई, नहीं था 0 भी नहीं था, तो 0 की भी एंट्री हो जाएगी। जो नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, मिस बोलते हैं। 1 1 की भी एंट्री कर दीजिए, 2 की भी एंट्री कर दीजिए। अब यहाँ पे देखिए 0 0 अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा, ये एक हिट हो जाएगा। उसके बाद 3 3 अवेलेबल नहीं है। अब देखिए 2 तो अभी अभी यूज़ हुआ था, 0 भी अभी अभी यूज़ हुआ था, 1 भी यूज़ हुआ था, 7 सबसे पहले यूज़ हुआ है, तो 7 को रिप्लेस कर दिएगा 3 से। उसके बाद देखिए 0 0 है हमारे पास पहले से ही, फिर क्या है, 4 4 नहीं है, तो अब देखो 0 अभी अभी यूज़ हुआ है, 3 भी अभी यूज़ हुआ है, 2 भी अभी हुआ है, लेकिन 1 सबसे पहले यूज़ हुआ था, तो 1 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 4 से। इतनी बात आपको समझ आई कि जो सबसे पहले यूज़ हुआ था उसको रिप्लेस करना है। 2 2 अवेलेबल है इसके अंदर पहले से ही, 3 भी अवेलेबल है, बाकी के सारे जो वैल्यू है वो इसमें ऑलरेडी अवेलेबल है। ये सारे क्या हो जाएंगे, हिट हो जाएंगे। अब पेज फॉल्ट कितने हो गए, काउंट कर लीजिए, मिस कितने हुए हैं, 6 1 2 3 4 5 6, तो टोटल पेज फॉल्ट कितने हो गए, यहाँ पे 6 हो गए। अब लास्ट एल्गोरिदम के बारे में देखते हैं, जो कि क्या है, हमारी मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, LRU और MRU के बीच में कंफ्यूज मत हो जाना। LRU में जो सबसे पहले यूज हुआ था उसको रिप्लेस करना है, और MRU में जो अभी अभी बस जस्ट अभी अभी यूज हुआ था उसको, सबसे लेटेस्ट जो यूज हुआ है उसको हमें रिप्लेस करना है। दोनों एल्गोरिदम में कंफ्यूज नहीं होना है। अब इसमें भी बिलेडी एनोमली आती है, ये सीरीज दी गई है, यहाँ पे देखिए 7 की एंट्री करवा दीजिए, 0 की भी, 1 की भी और 2 की भी। 0 पहले से ही अवेलेबल है, तो ये क्या था, एक हिट हो गया। अब 3 यहाँ पे अभी सबसे लेटेस्ट कौन यूज हुआ है, 0, तो 0 को रिप्लेस कर दीजिए 3 से। अब फिर से 0, 3 रिप्लेस करेगा 0 को, 3 से रिप्लेस होगा 0, है ना। फिर आया 4, 0 ही अभी यूज हुआ है, तो 0 को ही रिप्लेस करेंगे 4। उसके बाद देखिए 2 2 तो अवेलेबल है हमारे पास, फिर क्या हुआ, 3 अभी अभी कौन यूज हुआ है, 2, तो किसको रिप्लेस करेंगे, 2 को, किससे, 3 से। फिर 0 0 को किससे, 3 को रिप्लेस करेंगे 0 से। फिर आ गया 3, फिर 0 को रिप्लेस कर दो 3 से। फिर आ गया 2, फिर 3 को रिप्लेस कर देंगे 2 से, एंड 2 को रिप्लेस कर देंगे 3 से। मतलब जो अभी लेटेस्ट यूज हो रहा है उसको रिप्लेस करना है। लगभग तो वो एक ही बार बार में रिप्लेस होते रहते हैं। टोटल पेज फॉल्ट कितने हो जाएंगे यहाँ पे, 12। तो ये थी क्या हमारी पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। हमने देखी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे पहले आता है उसको रिप्लेस करना है इसके अंदर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के अंदर पहले सबसे पहले आया, बिलेडी एनोमली होती है। ऑप्टिमल पेज रिप्लेसमेंट में जो फ्यूचर में अभी यूज नहीं होने वाला, जिसका काम अभी नहीं पड़ने वाला, उसको रिप्लेस करना है OPT में। किसको रिप्लेस करना है, जिसका काम अभी नहीं है, जरूरत नहीं होने वाली, जिसकी अभी
उसको, उसके बाद एल आर यू आया लिस्ट रिसेंटली यूज्ड, इसके अंदर हम क्या करेंगे जो सबसे पहले यूज हो चुका है अर्लीस्ट जो यूज हुआ था उसको रिप्लेस करना है। एम आर यू मोस्ट रिसेंटली यूज्ड, जो अभी सबसे लेटेस्ट जस्ट अभी आया है यूज हुआ है उसको रिप्लेस करना है।